देश भर के किसान, आपने उनकी बातें सुनी, किस तरह से हैशटैग ट्विटर एक्शन पर उन्होंने किसान कर्जा मुक्ति की अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने रीजंस रखे, और ये तो जाहिर हुआ कि किसान किस कदर खफा हैं, किस तरह से कॉरपोरेट्स को लेकर वो खफा हैं कि उनके साथ के खेती किसानी के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे साथ किसान नेता रमेश दलाल जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, किस तरह का गुस्सा है किसानों में? लानत है आज की केंद्र सरकार को, जिसने व्यापारियों का 68,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों के लिए लॉकडाउन में भी कोई राहत की घोषणा नहीं की। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 15 करोड़ किसान इस देश में है, और लॉकडाउन में यदि मजदूरों को ज्यादा पैसा देने के कारण और मशीन महंगी मिलने के कारण 15 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये प्रति किसान भी ज्यादा देना पड़ा, तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमारा लॉकडाउन की वजह से हमारा ज्यादा पैसा लगा लागत मूल्य में। और इसके अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ किसान जो काम करते हैं फल का, सब्जी का, मछली पालन का, अंडे का, इनका जो नुकसान हुआ है वो लगभग 10,000 रुपये प्रति किसान हुआ है, तो 2 करोड़ किसानों का लगभग 20,000 करोड़। इस प्रकार से 40,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का हमारा इस लॉकडाउन में नुकसान हुआ, और प्रधानमंत्री ने आज तक 1 रुपया भी हमें किसी योजना के तहत देने का काम नहीं किया, और दूसरी तरफ व्यापारियों का 68,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ। जबकि 2014 के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके भाषण में साफ था कि वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, जो लॉकडाउन के दौरान किसान ही आज रीढ़ की हड्डी है, और उसी किसान को आप कुछ भी नहीं देना चाहते। क्या आप हमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने जा रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। जी रमेश दलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को सामने रखने के लिए। और अब हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, रमेश दलाल जी ने ये बात प्रश्न रखा है सामने कि आखिर क्या आप हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं किसानों को? आपका क्या समझना है, क्योंकि एक प्रमुख कारण रहा है कर्ज का दबाव किसानों की आत्महत्या में, तो किस तरह की नीतियां रही जो किसान इस कगार पर पहुंच गया है कि एक दिन में 28 आत्महत्याएं किसानों की? आप देश में अधिकतर देखिए, जो हमारी 84% जो आबादी है किसानों की, वो छोटी है, और आप अगर इन जो 28 से 30 जो कागज पर दिखते हैं, इनका अगर आप आर्थिक सर्वे करेंगे तो इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, 10, 20, 25, 40 हजार। परंतु इस 40,000 के पीछे जो उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है सरकार और बैंकों के द्वारा, जो वसूली करने वाले हैं उनके द्वारा जो इनकी इज्जत नीलाम की जाती है, उसका भय, उसका डर जो होता है वो आत्महत्या में परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए किस तरीके का काम होता है। 20,000 रुपये के लिए आपका बैंक में नोटिस चिपका दिया जाता है, 20,000 के लिए आपके घर के सामने जाके लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता है, 20,000 के लिए आपका ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी खींच ली जाती है, 20,000 के लिए आपकी मंडी क्षेत्रों में आपका प्रचार किया जाता है। 20-30 हजार जो रुपये होते हैं जब आप फसल बेचने जाते हो, तो बेचते समय सरकार उसको सबसे पहले काटती है, ये नहीं देखती कि किसान को क्या हो सकता है, उसकी मजबूरियां क्या है, उसको आने वाले सीजन में क्या काम करना है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी कोई मोहलत नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो जो सरकार का दमनकारी चेहरा है वसूली में, वो सबसे बड़ा कारण है, और यही आर्थिक सब जो लेन देन है इसके ऊपर जो अंकुश लगता है, ये आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप देखिए कि देश में जो बड़े कारपोरेट हैं उनके करोड़ों रुपए हैं, हजारों करोड़ हैं, उन पर कोई वसूली नहीं हो रही, 10 से 15% की वसूली हो रही है, उसके अलावा उन पर कोई वसूली नहीं है। उनके नाम तक सदन में पूछे जाते हैं, लोकसभा में प्रश्न लगाए जाते हैं, देश का मीडिया जानना चाहता है तो उनके नाम नहीं बताए जाते। एक तरफ जहां हजारों करोड़ का जो कर्जा है वो बट्टे की राशि में डाल देते हैं, वो बट्टा क्या है आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनसे वसूलना नहीं है, उसको बट्टे में डाल देते हैं और उनको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं।
ऐसी ऐसी कंपनियां जिनकी सिस्टर कंसर्न जो है, जिनकी मेन कंपनियां हैं, वो अरबों खरबों के प्रॉफिट में, उनकी जो सिस्टर ग्रुप कंपनीज हैं वो उनके कर्जे माफ़ हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? मेरा ये सवाल है कि देश को, उद्योग को इस तरह का करने का छूट दे रखा है माफ़ करने का। आज अगर खेती को उद्योग का दर्जा होता तो ये हमें भी ये फ़ायदा मिलता। तो मेरा प्रश्न ये, आखिर खेती को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? ये अगर सीधा आज हमको उद्योग का दर्जा दे देते तो आज हम लोगों को जो ये है कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है, या हमारे भी जो लोन है वो बट्टे में चले जाते। आप एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, जिसको देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संचालक कहते हैं, जिसको देश का मालिक कहते हैं, तमाम तरह के आप जो संबोधन होते हैं उसमें अन्नदाता के लिए सम्मान से सम्मान आप दिखाते हैं, परंतु जब ये कर्ज माफ़ी की बात आती है तो नियत, नीति और चेहरा अलग क्यों होता है? कॉरपोरेट के लिए तो आप तैयार हैं, किसान के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आप किसको समझा रहे हैं इस देश में? किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसानों को वही सुविधाएं, वही कर्ज में, कर्ज की जो नीतियां जो कॉरपोरेट्स के लिए होती हैं, वो किसानों के लिए आखिर क्यों नहीं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश जी, हमने कल देखा कि शामली में आपने कितने ही गोभी पर खुद ही ट्रैक्टर चलाया, कितनी बेबसी थी, कितनी लाचारी, ये समझ के कि उस गोभी का कोई बाजार नहीं, और गोभी क्या तमाम पेरिशेबल जो साग सब्जियां सबका यही हाल। ये बताइए कि कोरोना के समय में सरकार सबकी बातें कर रही है, किसानों को भला ही लॉकडाउन से बाहर रखा, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग से जो एक रियायत देनी चाहिए थी, या जिससे लगे कि किसान प्राथमिकता में है, क्या आपको ऐसा लगा? ये आज आप देख रहे होंगे, शामली जो बहुत क्षेत्र है, इसमें जो गोभी का उसका जो किसान था उसने अपनी फसल पूरे खेत में ही बर्बाद करी, और सरकारों को जहां खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुई पूर्ण रूप से। अब अगर सरकारों को मदद करनी है तो किसानों का कर्जा मुक्ति जो अभियान है वो पूर्ण रूप से काम करना पड़ेगा, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, जब ही इस किसान का भला हो सकता है। और जो लोग आज टोटल हैंडल्स पे किसानों का समर्थन करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, जो ये पूरा ट्विटर एक्शन रहा, इसका कुल जमा क्या रहा, निकल के इस पर बातचीत करते हैं। वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीएम सिंह जी, ये बताएं कि जो आमतौर पे किसान सड़क पर उतरते थे अपनी मांगों को रखने के लिए, इस बार कोरोना की वजह से ट्विटर एक्शन, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देश भर के किसानों ने अपनी बातें रखी, अपने व्यूज रखे, अपने गुस्से को उगला। अब आपको क्या लगता है कि सरकार किसी तरह के दबाव में आएगी? ये तरीका कितना कारगर रहा और इसका क्या असर दिखेगा? आज खुशी है, इस कोरोना की महामारी में जहां पर दुख होना चाहिए सबको, सब पीड़ित हैं, किसानों ने देश का भला किया है, किसानों ने देश के लिए अनाज पैदा किया है, आगे भी कर रहे हैं, वहीं पर खुशी क्या है? जो नौजवान खेती से हट गए हैं वो अपने हक के लिए, अपने पिता के हक के लिए आज ट्विटर पे आ गए हैं और मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी हमने भी दिखा दिया है, आज हमने जो ट्वीट किया हम नंबर एक पे आए और हमने आपको दिखा दिया है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पिता के लिए, आप पूरे देश के किसानों के लिए, जहां महामारी के अंदर वो बाहर निकले हैं वहीं पर उनको मार पड़ी है प्रकृति की, ये बच्चे जो बाहर निकले हैं उसकी खुशी है हमें। और मोदी जी ये संकेत है, ये समझ लीजिए, ये कह रहे हैं पूरे देश का काम करिए, आप किसानों का काम करिए, किसान के बिना देश अधूरा है। और ये भी साथ कह रहे हैं, गन्ना किसानों ने कहा उत्तर प्रदेश के कि 12,500 करोड़ रुपया बकाया है आज। आप ही मोदी जी कह गए थे कि 14 दिन में पेमेंट दिलवाएंगे वरना ब्याज दिलवाएंगे, और ब्याज हमारा अलग पड़ा हुआ है, नहीं मिला। 40 लाख परिवार हैं जो 2 करोड़ लोग होते हैं उत्तर प्रदेश अकेले के, आपने 2 करोड़ लोगों को ठेंगा दिखा दिया और आपने 50 लोगों का 68,000 पे माफ कर, 68,000 करोड़ पे माफ कर दिया। यही लोग जवाब मांग रहे हैं आज, लोग कह रहे हैं कि आपने हमारे मजदूर भाई, छोटा किसान और मजदूर भाई जो आना चाहता है अपने घर को वापस, उसको रोजगार उसका खत्म हो गया है, वो घर आना चाहता है, उसकी ट्रेन के अंदर एक विवाद पैदा हो गया है, राज्य सरकार पेमेंट करेगी या केंद्र सरकार करेगी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो। इससे मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी से
कि कुछ नहीं तो जिन किसानों ने कोरोना का भार अपने कंधों पे लिया, देश को खिलाने का भार अपने कंधों पे लिया, आज सारे संगठन एक हैं। ये कॉल एक की नहीं थी, ये कॉल अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति और सारे ज्वाइंट कॉल थी, अकेले किसी की नहीं थी। जितने संगठन बाकी हैं, तकायत साहब का हो, गुरनाम सिंह जी का हो, रंजीत सिंह जी का हो, गंगानगर वालों का, या कक्का जी का हो, जितने संगठन रह गए थे वो संगठन भी सब साथ हैं, पूरा मुट्ठी बंद है किसान इस मुद्दे पे। आप बुलाइए मोदी जी और वार्ता करिए, या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर पे भी हमने दिखा दिया है, रोड की लड़ाई तो हम लड़ते लड़ते हैं, पर आपने क्या सोचा कि रोड के ऊपर हम 6 महीने और नहीं आ पाएंगे, तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, अपने हक की लड़ाई है। हाँ, अगर आप माफ नहीं करते उद्योगपतियों का पैसा, तो हम भी आपसे कुछ नहीं मांगते, कोरोना महामारी में कुछ नहीं मांगते, पर क्योंकि आपने वो किया है तो हमने फिर आज ट्विटर के माध्यम से ये लड़ाई छेड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।